हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और यार, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपने इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को कंपेयर किया था इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2018 से। और यार, वहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से अभी फ़िलहाल इंडियन ट्रेन सिमुलेटर उसमें आगे चल रहा है। तो यार, एक बार फिर से आज हम कंपेयर करने वाले हैं अपने इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को ट्रेन सिमुलेटर से। तो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, लाइक कर देना। और भाई यार, इस वीडियो का लाइक एम आज हमने रखा है 30 लाइक्स का। मुझे पता है आप कंप्लीट कर दोगे। और भाई, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ट्रेन सिम्युलेटर आपको अभी प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बड़े आराम से उसे आप वहाँ से डाउनलोड करके खेल सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, ये दोनों ही गेम हमारे टॉप 3 इंडियन ट्रेन सिमुलेशन गेम्स की लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर अपने मेन्यू बोर्ड की, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको अपने इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। आगे बात करें ट्रेन सिम्युलेटर की, तो कुछ इस तरह का मेन्यू बोर्ड देखने को मिलता है। काफ़ी इजी और सिंपल तरीके से इसे आप यहाँ पे इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो गाइज यार, आगे बात करें हॉर्न साउंड और लोको साउंड के बारे में, तो यार ट्रेन सिम्युलेटर का साउंड वाकई में काफ़ी अच्छा है। मैं दोनों गेमों के आपको साउंड सुनाता हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज यार, आगे कंपेयर करें अपने ग्राफिक्स को, तो यार दोनों ही गेम के ग्राफिक्स वाकई में काफ़ी शानदार हैं। और इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर को, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके ग्राफिक्स को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, सारी चीज़ें HD करी जा रही हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं दोनों की ही आपको वीडियो दिखाऊंगा और आपको कमेंट करके बताना है कि किसके ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो गाइज यार, यहाँ पे मैंने सब कुछ कंपेयर कर दिया है, कैमरा एंगल से लेके ग्राफिक्स तक, स्पीड कंट्रोल तक, और हमारी जितनी भी कंट्रोल सेटिंग्स हैं। अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा गेम अच्छा है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको ये गेम डाउनलोड करना है फिर ये नहीं करना है या फिर ये बेकार है।
सिंपली यार मैंने इस गेम को कंपेयर किया है इन दोनों गेमों को, और आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा गेम ज़्यादा बेहतर है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज मैं देना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार ये अपडेट कब आएगा, तो गाइज़ बीटा टेस्टर्स के लिए अपडेट आ चुका है। अगर आपको बीटा टेस्टर ज्वाइन करना है तो आप वीडियो देख के कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है बीटा टेस्टर ज्वाइन करना। और पब्लिक के लिए अपडेट बेसिकली बस 2-3 दिन में आ ही जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपडेट जल्दी आने वाला है। तो गाइज़ यार आज की इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।